सत श्री अकाल जी सारे नू, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आर रिविजन मॉड्यूल फॉर योर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। इस रिविजन मॉड्यूल दे विच असी तुहाडे पूरे जीके पोर्शन की तैयारी करावांगे थ्रू एमसीक्यूज। तैयारी भी क्या, पूरी रिविजन करावांगे असी, राइट। तो रिविजन नू असी एमसीक्यूज राही कर रहे हैं पूरे जीके पोर्शन की, ताकि तुहाडी रिविजन भी हो जाए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नाल दे नाल हो जाए, बिकॉज टाइम थोड़ा जिहा ही रह गया बस पेपर नू। नाउ जे तुसी साडी लैक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो तुहानू पता है असी काफ़ी जीके दे टॉपिक्स जीके दे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज राही। असी इकोनमी कर चुके हैं, पॉलिटी कर चुके हैं, एनवायरमेंट नाल दी नाल तुहाडा चल ही रहा है, ते मैं तुहाडा पोर्शन कवर करा रहा साइंस एंड टैक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टैक्नोलॉजी के पोर्शन नू असी एमसीक्यूज राही कवर कर रहे हैं। नाउ टू लैक्चर्स आई हैव कवर्ड टू टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी थ्रू टू लैक्चर्स, ठीक है। अपना स्पेस साइंस हो चुके हैं एमसीक्यूज राही, अपना डिफेंस ते न्यूक्लियर वाला टॉपिक हो चुका है थ्रू एमसीक्यूज। नाउ अज हैगा डे 3 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ते अज दे लेक्चर दे विच असी बायोटेक्नोलॉजी दे टॉपिक नू कवर करांगे थ्रू एमसीक्यूज। बायोटेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन हेल्थ, इस टॉपिक नू असी कवर करांगे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी दे लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, चलो जी। वॉट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मैंशनड इन न्यूज। नाउ Cas9 प्रोटीन पता की है, तुहानू ना जेनेटिक इंजीनियरिंग बारे पता होना है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की होंगी है कि तुसी जेनेटिक इंजीनियरिंग दे नाल जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज करके किसी भी इंसान का DNA बदल सकते हो, पर उस टेक्नोलॉजी दे विच पता की चाहिए है कि तुसी किसी इंसान का DNA कढ़ो, उसनू बिच कट दो, फॉल्टी जीन नू रिप्लेस कर दो नॉर्मल जीन नाल। ता उस दे लई तुहानू जीन कट्टण दी लोड़ हुंदी है, है ना। तुसी देखे ही हो ना DNA दा स्ट्रैंड किस तरह हुंदा, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर फॉलो करदा है ना। ता वो डबल हीलिक्स दे विच एक फॉल्टी जीन हुंदा जिदे करके बीमारियां हो रही हैं बंदे नू, ता तुसी उस फॉल्टी जीन नू कट करके रिप्लेस कर देंदे हो नॉर्मल जीन नाल, ते इसे नू ही असीं जीन थेरेपी कहिंदे हां ना। उस ना तो उस जीन नू कट करन लई ना तुहाडे कोल इहो जिहे कुछ एंजाइम्स होने चाहीदे हैं, ठीक है। तो उस एंजाइम का नाम हैगा Cas9 प्रोटीन। ये वो एंजाइम हैगा जेड़ा किसी जीन नू फॉल्टी जीन नू कट कर देंदा है DNA स्ट्रैंड तो। ते ये जिहड़ी पूरी टेक्नोलॉजी हैगी है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग दी या जेनेटिक जीन एडिटिंग दी, इसनू असी कहिंदे हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का नाम हैगा, तो Cas9 हैगा वो प्रोटीन जिसनों असी यूज करते हैं DNA स्ट्रैंड नू कट करने वास्ते, तो इस दे राही तुसी करते हो जीन एडिटिंग। किसी बंदे दे जीन ही बदल देते हो तुसी, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैगी है, इसकी बहुत सारिया एप्लीकेशनस है। तुसी GM क्रॉप्स वाले बारे सुना होना है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दैन जीन थेरेपी, बथेरिया एप्लीकेशनस है इस टेक्नोलॉजी की, क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो वॉट इज Cas9 दैट इज ऑफन मैंशनड इन न्यूज़, अ मोलिकुलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। बिल्कुल सही, इस सीजर का काम करता है ना, कट देता जीन नू, एक पर्टिकुलर फॉल्टी जीन नू फ्रॉम अ DNA स्ट्रैंड। बिल्कुल सही है। अ बायोसेंसर, बिल्कुल नहीं। जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट, बिल्कुल नहीं। अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ना हर्बिसाइडल सब्सटेंस ही नहीं है। दिस इज जस्ट अ मोलिकुलर सीजर यूज टू कट अ पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड रिप्लेस इट विद अ नॉर्मल जीन, ताकि बंदे का डिजीज क्योर हो जाए। किसी बंदे नू कोई डिजीज होंदा ना बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएशन, कि उसके जीन्स ही फॉल्टी है, तो उस फॉल्टी जीन नू तुसी कट के नवा नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन्स पा देंदे हो, बंदा क्योर हो जाता है, राइट। मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, ठीक है। बहुत सारिया टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जेडे बंदे की रूपरेखा चेंज कर सकती हैं, ठीक है, बिकॉज साड़ी रूपरेखा इज कोडेड इन टू आर DNA, क्लियर। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ए। क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस हैज बीन इंजीनियर टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट क्वालिफाई गोल्डन राइस। ना मैं तुहानू थोड़ी देर पहला हिंट किया GM क्रॉप्स बारे। GM क्रॉप्स केड़ियां होंदियां, जब तुसी किसी पर्टिकुलर क्रॉप नू ना जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो ताकि उसके फीचर्स ही चेंज हो जाए। जिद्दां तुहानू पता है कि जिहड़ा पोटेटो हुंदा आलू, ठीक है, उस दे विच ना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हुंदे हैं, ते प्रोटीन दी थोड़ हुंदी है, प्रोटीन बहुत घट हुंदा है ना, ये सारे नू पता है।
जे तुसी आलू नू जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, उस दे जीन्स ही चेंज कर दो कि वो जिहड़ा आलू सीगा उस दे विच प्रोटीन दी क्वांटिटी वध जाए। ठीक है, इस तरह किया होया है वैसट दे विच। पोटेटो नू ही जेनेटिकली मॉडिफाई करके तुसी बनाता प्रोआटो, प्रोआटो प्रोटीन प्लस पोटेटो। ठीक है, तो तुसी जिन्निया भी क्रॉप्स एग्जिस्ट कर दी हैं, साड़े कंट्री दे विच भी कॉटन दी क्रॉप नू असी जेनेटिकली मॉडिफाई किया होया जीएम सॉरी बीटी कॉटन कहिंदे आ उसनू, है ना। तो इसे करके किसे भी क्रॉप दे तुसी जीन्स चेंज कर दो तो उसके फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं। तो तुसी पता की करे, तुसी राइस दी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है तो एक नवे तरीके का राइस बना चुके हो तुसी, जिसका नाम है गोल्डन राइस। नाउ गोल्डन राइस राही तुसी की अचीव करना चाहते हो, एहो जिहा राइस है जिस दे विच वाइटमिन ए बहुत ज्यादा होंदा है। ठीक है, नाउ एज यू गाइज ऑल नो कि जिहड़ा राइस हैगा ना वह स्टेपल डाइट हैगी है तकरीबन सारी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड की। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन जिन्नियां भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करदी हैं सारे राइस जरूर कंज्यूम करते हैं, है ना, राइस सारे कंज्यूम करते हैं। बट बहुत सारे बंदे हैगे हैं दुनिया दे विच जिन्हां नूं वाइटमिन ए डेफिशियंसी हो जाती है, उन्हां दी बॉडी दे विच वाइटमिन ए नहीं हुंदा। ते वाइटमिन ए दी जे डेफिशियंसी हो जाए ना किसी नूं तां उसनूं कलर ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस दा डिजीज हो जांदा। ठीक है, तो इसे करके पॉपुलेशन दे विच नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस दा डिजीज ना हो क्योंकि राइस तो सारे ने खाना है। तो तुसी राइस नूं इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई करता कि राइस दे विच ही वाइटमिन ए मिल जाए तो बंदा जिहड़ा राइस खाऊगा उस दे विच वाइटमिन ए दी डेफिशियंसी होनी नहीं कदे। ठीक है, तो उस राइस वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नूं असी कहिंदे हैं गोल्डन राइस। ठीक है, इस तरह बहुत सारे बहुत सारिया क्रॉप्स ने जिन्होंने तुसी जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हो। इंडिया दे विच जीएम ब्रिंजल बीटी ब्रिंजल की गल चल रही थी, हजे तक उसनू अलाउ नहीं किया है कि उसके फील्ड ट्रायल्स अलाउ नहीं करे हजे तक। जीएम मस्टर्ड की गल चल रही है कि मस्टर्ड दे विच तुसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है, तो बीटी कॉटन तो चल ही रही है, है ना। बीटी कॉटन तो 2003-04 की चल रही है। इंडिया दे विच सिर्फ बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही अलाउड है, बाकी होर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया दे विच अलाउड नहीं है। सारी लैब्स दे विच एग्जिस्ट कर दी है, उन्हां दे फील्ड ट्रायल्स अलाउ ही नहीं कर रही सरकार। खैर ये तो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन सी, बाकी आपां तां गल कर रहे सी गोल्डन राइस बारे। तो गोल्डन राइस का फीचर की है, द ग्रेन्स हैव बीन फोर्टिफाइड विद जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर ग्रेन यील्ड पर एकर दैन अदर हाई यील्डिंग वैराइटीज। ना ए नहीं है कम, इसका कम वाइटमिन ए बनाने का है। इट्स ग्रेन्स कंटेन प्रो वाइटमिन ए विच अपॉन इनजेस्टन मतलब तुसी जब तुसी निकल जाते हो आर कन्वर्टेड टू वाइटमिन ए इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही, गोल्डन राइस तुहानू वाइटमिन ए प्रोवाइड करता। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का काफ़ी वधिया एग्जाम्पल हैगा गोल्डन राइस, पर इंडिया दे विच अवेलेबल नहीं है, वैस्ट दे विच है। मैं तुहानू दस्या ना थोड़ी देर पहला, इंडिया दे विच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाँ ते सिर्फ बीटी कॉटन ही अवेलेबल है, बाकी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया दे विच अलाउड नहीं है। ठीक है, लैब्स दे विच तां एग्जिस्ट करदी है बट सरकार उन्हां नूं फील्ड ट्रायल्स की परमिशन दे नहीं रही बिकॉज कहिंदे कि उसके हेल्थ कॉन्सीक्वेंसिस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सीक्वेंसिस हो सकते हैं। खैर वो वक्री गल है, पर गोल्डन राइस की है वाइटमिन ए। इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ना प्रोटीन नाल तां इहदा कोई संबंध नहीं अमीनो एसिड्स नाल। इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ग्रेन्स विद वाइटमिन डी। ना वाइटमिन ए तां इह वी गलत है। तुहाडे तों पुछिआ सी करेक्ट ऑप्शन की है बी। ऑलराइट, चलो अगे चलते हैं। अच्छा ये जिहड़ा सवाल हैगा ये असर्शन रीजन का हैगा। ठीक है, असर्शन सुनते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। नाउ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की है, तुसी जानते हो कि किसी भी बंदे की तुसी पहचान कर सकते हो थ्रू फिंगरप्रिंट, आधार दे विच यूज होंदा है, थ्रू आयरिस, है ना। साड़ी बॉडी दे विच कुछ यूनीक फीचर्स ने जे विच आर यूनीक टू अस ओनली, तो किसी भी बंदे की तुसी पहचान करनी है ना तुसी फिंगरप्रिंट राही कर सकते हो, आयरिस स्कैन राही कर सकते हो। एक होर तरीका है किसी भी बंदे की पहचान करन दा, वो हैगा उसके डीएनए एनालिसिस, बिकॉज हर बंदे का डीएनए यूनीक है। ठीक है, जे तुसी किसी बंदे का डीएनए सैंपल ले आओ, ठीक है, तो उसके डीएनए एनालिसिस करके अपने कोल रख लियो, तो उसनू कदे बाद दे विच तुसी मैच करो उस बंदे नाल, तो जे मैच हो जाता तो पता लगता कि उही बंदा सीगा जिसका डीएनए मेरे कोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू एक दसदा एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल इतने कितने ना मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है, पुलिस को पता चलता है कि ना जेड़ा मर्ड बॉडी सी उस दे नाल ना एक हेयर फॉलिकल पिया सी, हेयर का पीस पिया सी, पुलिस उस हेयर नू लैके जाती है तो पुलिस ना उसका डीएनए एनालिसिस करती है तो डीएनए कट लेंदी है हेयर दे फॉलिकल चो, ठीक है। उस तो बाद पुलिस की करती है जिन्ने भी क्रिमिनल्स हैगे हैं ना इंडिया दे विच उन्हां सारयां दे डीएनए नाल उसका उसकी मैचिंग करती है। जे हेयर फॉलिकल का डीएनए किसी क्रिमिनल दे डीएनए नाल मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह क्रिमिनल उत्थे सीगा जब मर्डर होया है ना। तो इस टेक्नोलॉजी नू असी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कहिंदे आ, राइट। फिंगरप्रिंटिंग तुसी क्यों यूज करते हो? फिंगरप्रिंटिंग का मतलब की है कि तुसी किसी बंदे की पहचान करनी है, शनाख्त करनी है ना, तो तुसी डीएनए राही भी किसी बंदे की शनाख्त कर सकते हो है ना, उसनू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बथेरिया एप्लीकेशन है, किसी की पेटर्निटी एस्टैबलिश करनी है, कदे कदे चाइल्ड कस्टडी का डिस्प्यूट हो जाता है ना, दो बंदे आपस से लड़ रहे हैं कि मेरा मुंडा है, दूजा कहता है मेरा मुंडा है, तो डीएनए नाल तुसी चेक कर सकते हो कि मुंडा है, ठीक है। पेटर्निटी एस्टैबलिश हो सकती है, क्रिमिनल्स नू एस्टैबलिश क्रिमिनल नू आइडेंटिफाई कर सकते हो है ना। तो यह तो सही असर्शन हैगी है, बिल्कुल सही असर्शन हैगी है। इसका रीजन की दस रहे हैं, ट्रेस एविडेंस सच एज हेयर सलाइवा ड्राइड सीमन आर एडिक्वेट फॉर डीएनए, ये भी बिल्कुल सही है। तुसी किसे बंदे का डीएनए काट सकते हो थ्रू हिज हेयर, थ्रू हिज सलाइवा, थ्रू हिज सीमन, ठीक है, तुसी डीएनए काट सकते हो, बिल्कुल सही है। बट इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? ना, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द एक्चुअल रीजन फॉर दिस असर्शन है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, बिकॉज असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम अ पावरफुल टूल इज द रीजन ए नहीं है, ठीक है। तो इसे करके बी, ऑलराइट। नेक्स्ट, बैसिलस थुरिंजेनेसिस इज यूज्ड एज अ, ना मैं तुम्हें थोड़ी देर पहला दसिया सी ना बीटी कॉटन बारे कि कॉटन की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है, तुसी करिया पता की कॉटन का ना तुसी डीएनए कढ़िया, डीएनए चो जिहड़ा कॉटन का डीएनए है उस दे विच ना एक बैक्टीरिया का डीएनए पाता तुसी, ठीक है। वह बैक्टीरिया का ना की है? बीटी, बैसिलस थुरिंजेनेसिस, ठीक है। तो इसी करके बैसिलस थुरिंजेनेसिस का डीएनए तुसी कॉटन दे विच पाता ते कॉटन दी यील्ड वध गई, ठीक है ना। यील्ड वधाने लई असी किस पदार्थ नू यूज करते हैं? यील्ड वधाउण वास्ते असी फर्टिलाइजर नू यूज करते हैं, बट ये जिहड़ा फर्टिलाइजर हैगा ये बायोलॉजिकल बीइंग है, लिविंग बीइंग है, इसे करके असी इसनू बायो फर्टिलाइजर आखते हैं, ठीक है जी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेम सैल्स। नाउ स्टेम सैल्स की है? साड़ी बॉडी दे विच देखो वक्रे वक्रे तरीकों के सैल्स होंदे हैं, नर्व सैल्स होंदे हैं, स्किन सैल्स होंदे हैं है ना, बोन सैल्स होंदे हैं, सारे सैल्स के अपने फंक्शनस है, इसे करके असी इन्हां सैल्स नू कहिंदे हैं स्पैशलाइज सैल्स। बट साड़ी बॉडी दे विच इहो जिहे सैल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिहड़े अनस्पैशलाइज हैं, जिन्हां नू पता ही नहीं उन्हां दा काम की है, ठीक है, वह सैल्स नू असी कहिंदे हैं स्टेम सैल्स। तो स्टेम सैल्स है जिहड़े अनस्पैशलाइज सैल्स है, बाद दे विच वो स्पैशलाइज बनणगे। तो साड़ी बॉडी दे विच स्टेम सैल्स होंदे हैं ते स्टेम सैल्स ही फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं स्किन सैल्स, कुछ बन जाते हैं नर्व सैल्स, न्यूरॉन्स कहते हैं असी इन्हां नू, ठीक है, फिर ब्लड सैल्स, ठीक है। तो स्टेम सैल्स ही अगे कन्वर्ट होंदे हैं स्पैशलाइज सैल्स दे विच, बट जब कोई सैल स्टेम सैल फेज दे विच है वो अनस्पैशलाइज सैल हैगा, ठीक है। दे आर अनस्पैशलाइज सैल्स, बिल्कुल सही। दे रिन्यू देमसैल्स थ्रू सैल डिविजन, यस, सैल ना अपने आप नू मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो अपने आप नू ही रिन्यू करी जाते हैं, स्टेम सैल्स का खास फीचर हैगा ये। दे गिव राइज टू स्पैशलाइज सैल्स, मैं थोड़ी देर पहले ही दसिया कि स्टेम सैल्स तो ही अगे स्पैशलाइज सैल्स बनने हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, आंसर इज डी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, ठीक है। असी ना बायोटेक्नोलॉजी की ना बथेरिया एप्लीकेशन है, तो बायोटेक्नोलॉजी की जी एप्लीकेशन है ना उन्होंने एप्लीकेशन असी ना कैटेगराइज किया हो कि बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, एनवायरमेंट एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, तो हरेक सैट ऑफ एप्लीकेशन असी कलर दिता हो, ठीक है, तो तुम करेक्टली मैच करना है, क्लीयर। नाउ रेड बायोटेक्नोलॉजी जी है वो फार्मेसी के यूज होंगी है,
जब तुसी बायोटेक्नोलॉजी नू यूज करके मेडिसिन बनाते हो ता तुसी रेड बायोटेक्नोलॉजी दे जोन दे विच हो, इसे करके इंडस्ट्रियल नहीं है गए, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ता ओही है जब तुसी बायोटेक्नोलॉजी नू यूज करके जिदा जेनेटिक मॉडिफिकेशन GM हो गया तुसी एग्रीकल्चर दी एप्लीकेशंस बना रहे हो, ठीक है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी असी सारे जानते हैं, जब ब्लू वर्ड ऐड हो जाता है तो उसका संबंध मरीन वाटर नाल ही है, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज विद मरीन। वाइट बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल रेमीडिएशन, ना वाइट बायोटेक्नोलॉजी जी है ना वो पता की है, जब तुसी बायोटेक्नोलॉजी नू यूज करके केमिकल्स बनाते हो, एंजाइम्स बनाते हो, ठीक है, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, प्रोटीन्स बनाते हो तुसी, हॉर्मोन्स बनाते हो तुसी, है ना, उसनू वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एनवायरमेंटल रेमीडिएशन के लिए जी बायोटेक्नोलॉजी यूज होंगी उसनू असी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, तो यह भी गलत हो गया। आंसर इज B 2 and 3। ऑलराइट, नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं तुम्हें दसिया ना, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब तुम किसी के DNA के विच चेंजेस कर रहे हो, है ना। ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बथेरिया एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज टू डायग्नोज अ डिजीज, किसी बीमारी बारे पता करना है तुसी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके पता कर सकते हो। टू प्रोड्यूस वैक्सीन, असी वैक्सीन से ड्रग्स भी बनाते हैं, ठीक है, वैक्सीन से मेडिसिन बनती हैं कई जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके, है ना, इसे असी रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही। टू हेल्प डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यस, कदे कदे ना तुसी बैक्टीरिया दे विच जेनेटिक चेंजेस करके उस बैक्टीरिया नू इस तरह बना देंदे हो कि वह सारा वेस्ट खा जाता है, तो तुसी जेड़े पोल्यूशन होंदी है ना उसनू कंट्रोल करन लई तुसी यूज कर सकते हो उस बैक्टीरिया नू, तो इसका की हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट नू कंट्रोल करन दा तरीका हो गया। टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ अ वायरस, किसी वायरस का भी तुसी DNA या RNA चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सही, सारिया ही एप्लीकेशन है तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीन थेरेपी, जीन थेरेपी काफी आ गया। इट इज अ मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन मैनिपुलेशन एंड डिलीशन ऑफ जीन्स विद इन एन इंडिविजुअल सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। अ कैरियर इज नीडेड टू डिलीवर अ जीन इन टू अ डिजायरेबल साइट, देखो मैं अपना ना, मैं किसी बंदे का देखो जीन चेंज करना, DNA चेंज करना, तो मैं उसका फॉल्टी DNA बाहर कढ़ांगा तो नॉर्मल जीन उसके सैल दे विच इंसर्ट करांगा, बट वो नॉर्मल जीन की जिहड़ी कॉपी है उसके सैल दे विच पाउण लई मैनू एक कैरियर की लोड़ है, ठीक है। मैं किसी का लिवर का सैल चेंज करना है पर मैनू कैरियर की तो लोड़ है जिस दे विच मैं कैरियर का मतलब की हो गया वहीकल, वो वहीकल की तो मैं लोड़ है ना जिस वहीकल दे विच मैं नॉर्मल जीन नू बिठा के लिवर कोल भेजना है ना, इसे करके कैरियर इज नीडेड, यस। इट इज यूज टू क्योर डिजीजेज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, सिकल सैल डिजीज, बिल्कुल सही गल है। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, सिकल सैल अनीमिया, दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डरस, ये जीन्स दे विच तुहाडे खराबी है, DNA दे विच खराबी है, इसे करके तुसी ये डिजीज तो सफर कर रहे हो। जे असी तुहाडे DNA नू ही चेंज कर दीए तो तुहाडे डिजीज भी खत्म हो जाएंगे, है ना, तो असी जेनेटिक इंजीनियरिंग नू, जीन थेरेपी नू यूज करते हैं टू क्योर फॉर दीज डिजीजेज, बिल्कुल सही है, तो सारी ही करेक्ट है स्टेटमेंट्स, करेक्ट ही पूछे, बिल्कुल, सॉरी D, ठीक है। चलो अगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, डिप्थीरिया, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, विच ऑफ द अबव डिजीजेस हैज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। ना डिप्थीरिया अज भी एग्जिस्ट करता है इंडिया के, चिकन पॉक्स तो तुसी सारे नू पता होना कि तुसी अज भी किसी अपने आंढ गुआंढ दे विच ही देख लियो किसी नू चिकन पॉक्स होया ही हुंदा, तो चिकन पॉक्स तो इरेडिकेट होया नहीं, तो डिप्थीरिया भी इरेडिकेट नहीं होया, ताइयों तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन दिंदी डिप्थीरिया दी बच्चियां नू, ठीक है, चिकन पॉक्स भी इरेडिकेट नहीं होया। हाँ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जरूर इरेडिकेट हो चुका है। ना इंडिया दे विच ना काफ़ी डिजीज इरेडिकेट हो चुके हैं, मैं लिस्ट दे देना तुहानू, एक सीगा पोलियो, पोलियो 2014 तो एक भी पोलियो का केस नहीं आया, तो इसे करके असी कहते हैं कि पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है। दूजा हैगा यॉज, एक डिजीज का नाम है। तीजा मटरनल एंड नियोनेटल टेटनस, ते अपना चौथा हैगा स्मॉल पॉक्स, ते लास्ट हैगा रिंडर पेस्ट। तुसी ये याद रखने ना,
Rinderpest. These are the five diseases that have been eradicated from India. Only these five diseases. ठीक है, ये मैं extra diseases तो अनु लिखा रहे हैं, ठीक है? Because इस question दे रही था तो अनु यही पता लगना कि smallpox India दे विच eradicate हो चुके हैं, पर बाकी diseases वाले भी तो अनु पता होना चाहिए, कि पता question उत्थों पूछ लई है ना? इसे करके यू नीड टू नो पोलियो इज इराडिकेटेड, यॉर्स इज इराडिकेटेड, मेटर्नल एंड नियोनेटल टेटनस इज इराडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स इज इराडिकेटेड एंड रिंडर पेस्ट इज इराडिकेटेड. ठीक है, ये पांच डिजीजेस हैगे हैं विच आर इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब नाल तो स्मॉल पॉक्स ही बनता है. ठीक है, तो इसे करके आंसर इज ओनली थ्री. क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड. इतने ना केमिकल लिखा है ते उसकी डेफिशिएंसी करके केड़ा डिजीज होंगे. ठीक है, नाउ थायमीन जेड़ा है, थायमीन वाइटमिन बी की डेफिशिएंसी कर, वाइटमिन बी दे विच होंगे, इसकी डेफिशिएंसी करके बेरी बेरी होंगे, बिल्कुल सही है. वाइटमिन बी 12 की डेफिशिएंसी करके स्कर्वी होंगे. वाइटमिन सी, वाइटमिन सी दे विच होंगे एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी करके तुहाडा स्कर्वी हो जाता, बिल्कुल सही हैगा. सॉरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइटमिन बी 12 करके नहीं होता, वाइटमिन सी करके होता. वाइटमिन ए करके कलर ब्लाइंडनेस होती है, बिल्कुल सही. वाइटमिन के करके ब्लड क्लॉटिंग होती है, बिल्कुल सही. तो थायमीन की डेफिशिएंसी होती है जब बेरी बेरी होता है. वाइटमिन सी की डेफिशिएंसी होती है स्कर्वी होता है. वाइटमिन ए की डेफिशिएंसी होती है नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस होती है. तो वाइटमिन के की डेफिशिएंसी करके ब्लड क्लॉटिंग होती है. इनकरेक्टली मैच पूछा हुआ सी, तो बी इज इनकरेक्टली मैच. ठीक है, चलो. Endoscope used by doctors for examining the inside to the patient's stomach works on the principle of endoscopy. पता की हुंदी है? ए ना तुहाडी बॉडी दे विच ना कदे कदे ऑप्टिकल फाइबर्स तुहाडी, फॉर एग्जाम्पल थ्रू योर एनल रीजन और थ्रू योर माउथ, डॉक्टर्स कदे कदे ना वायरस इंसर्ट करते हैं तुहाडी बॉडी दे विच. ओ वायर दे विच ना कैमरा जिहा हुंदा है, या वायर दे विच ना ओ चेक करते हैं कि तुहाडी बॉडी दी अंदर दी गतिविधि की चल रही है. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो इनसर्ट करते हैं तो लाइट सिटते हैं, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है डॉक्टर को पता लग जाता है कि बंदे दे अंदर चल की रहा है. इसनों एंडोस्कोपी कहते हैं. तो एंडोस्कोपी दे लई सानू ऑप्टिकल फाइबरस की लोड होंदी है. तो ऑप्टिकल फाइबरस दे विच लाइट किस तरह ट्रैवल कर रही है फ्रॉम योर बॉडी टू द डॉक्टर, किस तरह ट्रैवल कर रही है? यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वैसे तुसी याद ही रखियो कि ऑप्टिकल फाइबर जिथे भी ना आ गया ना, ऑप्टिकल फाइबर कदे भी किते भी ऑप्टिकल फाइबर जे लिखा हुआ है तो उसका प्रिंसिपल तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाल ही होना है. ठीक है, इसे करके आंसर दैट इज करेक्ट इज सी. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बेले एक्सपेरिमेंट ते इथे टॉपिक दिता हुआ है, ब्लॉकचेन, क्रिस्पर कास 9. असी डिस्कस ही कर चुके क्रिस्पर कास 9. नाउ बेले 2 एक्सपेरिमेंट इज वॉज कंडक्टेड इन जापान फॉर पार्टिकल फिजिक्स. ये जड़े अटोमिक पार्टिकल्स होंगे ना, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो सब अटोमिक पार्टिकल्स जड़े होंगे. ठीक है, इन्हों के भी अगे वक्रिया डिविजन है, म्यूयॉन, बोजॉन, हिग्स बोजॉन वगैरह वगैरह. उन्होंने डिस्कवरी लई ही एक्सपेरिमेंट किया गया सी. बेले 2 एक्सपेरिमेंट वॉज फॉर पार्टिकल फिजिक्स. तो इसे करके फर्स्ट इज इनकरेक्टली मैच्ड. ब्लॉकचेन तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हैगी, बिल्कुल सही. क्रिस्पर कास 9 इज नॉट पार्टिकल फिजिक्स, क्रिस्पर कास 9 इज जेनेटिक टेक्नोलॉजी, है जीन थेरेपी. तो यह भी गलत है, करेक्टली मैच पूछे बी. राइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनॉइड्स. ना ऑर्गेनॉइड्स पता की है? देखो असी चेक करना चाहते हैं कि किसी भी वायरस का ना साड़ी बॉडी दे वक्रे टिशूज या ऑर्गन्स दे उत्ते की इंपैक्ट होंदा है. ठीक है, बट असी इहदे लई किसी बंदे नू डमी बना के, बकरा बना के थोड़ी उहदे उत्ते एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बंदे दे अंदर जान बुझ के असी वायरस सिटता, इस तरह तो नहीं कर सकते. ना असी चेक करना है कि बॉडी दे डिफरेंट ऑर्गन्स दे विच की इंपैक्ट होंदा कोरोना वायरस दा. कोरोना वायरस दे विच असी कीता सी, ठीक है, कोरोना वायरस दे की इंपैक्ट है, किसी होर वायरस दा बैक्टीरिया दे की इंपैक्ट है. तो साडे कोल ना हुण टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिहदे थ्रू ये जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी है ना फॉर अ डमी परसन, फॉर अ लैब रैट, वो खत्म हो जाती है. नाउ पहला जब तुहानू चेक करना हुंदा सी ना कि यार किस वायरस बैक्टीरिया दा की इंपैक्ट हुंदा वक्रे ऑर्गन्स दे विच, तुहानू बंदे दी लोड़ हुंदी सी, है ना, डमी परसन की. हुण ना इस दी लोड़ ही नहीं. हुण तुहाडे कोल ना स्टेम सैल टेक्नोलॉजी है, तो स्टेम सैल्स हुंदे आ अनस्पैशलाइज सैल. तो तुसीं उहना अनस्पैशलाइज सैल्स नू यूज करके ना स्पैशलाइज टिशूज बना दिंदे हो दैट मिमिक योर इंटरनल ऑर्गन्स. लैब दे विच ही तुसीं ऑर्गन बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, टिशूज बनाए हुए हैं, उन्होंने असी ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं.
थ्री डायमेंशनल टिश्यूज बनाए हुए हैं, तो वह थ्री डायमेंशनल टिश्यूज के विच तुसी वायरस नू सिट देंदे हो, फिर तुसी देख दे हो कि इस टिशू का इंपैक्ट की हो रहा है, इस वायरस का इस टिशू के उत्ते इंपैक्ट की हो रहा है। ये उही टिशू है जिहड़ा साडा लिवर दे विच है और हार्ट दे विच है। तुसी कोई भी टिशू बना सकते हो स्टेम सेल्स यूज करके, तो तुसी एक्चुअली किसी डिजीज़ की प्रोग्रेशन चैक कर रहे हो कि किसी डिजीज़ की तुसी देख रहे हो कि यह डिजीज़ किस तरह ह्यूमन बॉडी नू इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इन्हां नू ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। दे आर टाइनी सेल्फ ऑर्गेनाइज थ्री डायमेंशनल टिश्यू कल्चर दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स। एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है, तो तुहानू पता है ऑर्गेनॉइड्स असी SARS-CoV-2 कोरोना वायरस नू स्टडी करन लई भी यूज करे हैं कि कोरोना वायरस का ह्यूमन बॉडी ते की इंपैक्ट हुंदा है। ओ किसे बंदे नू लैके नहीं आया सी, ओदे ओ बंदे दे अंदर नहीं टेस्ट कर रहे, ऑर्गेनॉइड्स दे विच टेस्ट कर रहे हैं। वधिया तरीका भी है, किसे बंदे दी क्यों बली चढ़ानी है ना, तुसी लैब दे विच एक ऑर्गन बना के ओदे उत्ते टेस्ट कर लियो है ना। तो उन्होंने असी ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनॉइड्स हैव बीन यूज टू स्टडी कोविड वायरस। SARS-CoV-2 अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गनस, किस तरह अफेक्ट करता है? बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो नाइदर इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिट इंडिया मूवमेंट, चलिए ना, फिट इंडिया मूवमेंट आर करेक्ट। इट एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज दैट प्रमोट फिटनेस थ्रू फोकस्ड कैंपेन्स। बिल्कुल सही है, ये तो कैंपेन ही है। It aims to create a platform for citizens of India to share information, drive awareness, and encourage sharing of personal fitness stories. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਏਮਸ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਪੋਰਟਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ ਖੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਂਡੇਮਿਕਸ ਓਰੀਜਨੇਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਡਿਡ ਨਾਟ ਓਰੀਜਨੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਲੇਗ ਹੋਇਆ ਸੀ 14th century ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੇਗ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ 14th century ਮਿਡੀਵਲ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਲਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਐਂਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਐਂਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ R0। R0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ <L>1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਦ R0 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਦ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ,
जब आर नॉट की वैल्यू ग्रेटर दैन वन होंगी तो मच ग्रेटर दैन वन होंगी है दैट मीनस दैट पर्टिकुलर डिजीज इज हाईली कंटेजियस. शुरुआत के दिनों कोरोना का आर नॉट कोरोना की आर नॉट वैल्यू वॉज वे ग्रेटर दैन वन. तो एक बंदा पता नहीं किन्ने बंदियां नूं इनफेक्ट कर रहा है. ठीक है, जब किसी डिजीज की आर नॉट वैल्यू वे ग्रेटर दैन वन होंगी है तो वह एपीडेमिक एपीडेमिक या पैंडेमिक बन जाता है वह पर्टिकुलर डिजीज. पर जे किसी डिजीज की आर नॉट वैल्यू वन तो घट होंगी है दैट मीनस वह डिजीज डिकलाइन पर है तो हूँ वह बन गया एंडेमिक. ठीक है, चलो. अ डिजीज इज एंडेमिक व्हेन आर नॉट वैल्यू द मेजर ऑफ नंबर ऑफ पीपल वन इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू बिकम्स लेस देन वन. यस, तो आर नॉट वैल्यू घट होंगी है वन तो वह डिजीज डिकलाइन पर ही है. कोविड 19 हैज रीच्ड एंडेमिसिटी इन इंडिया. ना, कोविड 19 हजे भी स्प्रैड हो रहा है दिल्ली दे विच, बॉम्बे दे विच, उन्हां लोकां तो पुछो तुसी, हजे भी स्प्रैड हो रहा है तो उसकी आर नॉट वैल्यू लैस दैन वन नहीं हैगी. कोरोना इज स्टिल फार अवे फ्रॉम बीइंग और बीइंग कॉल्ड एंडेमिक. एंडेमिक नहीं होया हजे भी, कोरोना एपीडेमिक की स्टेज च ही है पर साडा डर घट हो गया कोरोना तो. बस यही है, सारे नूं कोरोना हो जाता है पर वो असी उसनों ना नॉर्मल कॉमन कोल्ड वांग ही ट्रीट कर रहे हैं, है ना. डर घट हो गया लोगों का पर यदा मतलब ये नहीं है कोरोना स्प्रैड नहीं हो रहा, ठीक ठाक स्प्रैड भी हो रहा है. कदे कदे तो बंदे नूं पता नहीं लगता कि उसनों कोरोना है, वो सोचता है कि यार कल रात मैं भज के आया सी किते ते एसी च सीधा वड़ गया, एसी दे एसी वाले रूम च चला गया सी मैं, इसे करके गर्म सर्द हो गया मैनू ते डिजीज हो रहा ना, मतलब कोल्ड लाइक सिम्पटम्स आ रहे हैं. पर कदे कदे वो कोरोना होंदा है. ठीक है, तो कोरोना ठीक ठाक स्प्रैड हो रहा है इंडिया दे विच. हाँ, बस लोगों का डर घट हो गया है ना. तो यू विल नेवर से दैट कोरोना हैज बिकम एंडेमिक इन इंडिया. हजे भी ठीक ठाक केसिस है गए हैं. हुण तो गवर्नमेंट ने भी टैसटिंग घटाती है, गवर्नमेंट टैसटिंग कर ही नहीं रही. जे गवर्नमेंट अपनी टैसटिंग वधा दे ना तो तुहानू ज़्यादा केसिस दिखण. खैर, इट इज़ नॉट एंडेमिक, इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग कॉल्ड एन एंडेमिक, इट इज़ स्टिल एन एपीडेमिक. तो ये गलत है, इनकरेक्ट पूछे है. ओनली टू क्वेश्चन 18. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज समटाइम सीन इन द न्यूज़पेपर्स हेडलाइन विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पता केड़ी हैगी है, ए ओ ऑर्गेनाइजेशन हैगी है इंडिया दे विच जेड़ी अप्रूवल या अप्रेजल दिंदी है, अप्रूवल भी नहीं अप्रेजल दिंदी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नू. फॉर एग्जाम्पल मेरी लैब ना GM मस्टर्ड बना दिंदी है. My lab creates genetically modified mustard. GM mustard मैं बनाता हूँ. GM mustard नूं environment दे विच release करन लई ना मैनू इसका approval चाहिए, इसका appraisal चाहिए. ठीक है, वैसे तो final approval इहदे कोल भी नहीं है, ये appraisal दिंदा है तो फिर फाइल चली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फाइनल अप्रूवल दिंदा है. बट जे मैं अपनी इनोवेशन यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बना देना अपनी लैब दे विच, मैं उसनू रिलीज नहीं कर सकता, फील्ड ट्रायल्स दे विच नहीं भेज सकता जब तक मैंने अप्रूवल नहीं आता इस ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अप्रूवल फॉर अप्रेजल फॉर GM क्रॉप्स. नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, चलो जी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बल्क ड्रग्स. बल्क ड्रग्स पढ़े पता की होंगे हैं तुसी? बल्क ड्रग्स इन्हों कहते हैं APIs. APIs की है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स. तुसी ना जब तुसी पक्का सुने होना है कि जब तुसी दवाई खरीदन जाते हो केमिस्ट कोल जाते हो, केमिस्ट तो दवाई लैके आ जाते हो तो घर जाते हो, घर दे नाल तुसी सलाह वगैरह करते हो कि यह दवाई लैनी चाहिए है नहीं लैनी चाहिए है, तो कोई सियाना तुहाडे घर च घर दे विच कहिंदा है कि यार पहला मैनू यह दस इस दवाई दे विच सॉल्ट की है, किहड़ा सॉल्ट यूज करिया है, है ना. हुंदा ना कि यार इस दवाई दे विच किहड़ा सॉल्ट यूज करिया होया, ये वाला सॉल्ट है ठीक है यह तो लै लै दवाई. तुसी सुनिया होना सॉल्ट बारे, सॉल्ट वर्ड तो जरूर सुनिया होना. तुसी केमिस्ट कोल जाते हो तो केमिस्ट तुहानू दसदा कि आ वाली भी दवाई, तुसी पुछदे हो कि यार मैनू आ वाली दवाई चाहिए है, केमिस्ट तुहानू दूजी दवाई फड़ा के कह दिंदा यार सॉल्ट सेम ही है इन्हां दे विच, है ना. तो सॉल्ट की हैगे वो दवाई नू मैनुफैक्चर करन लई ना, दवाई नू रॉ मटीरियल, दवाई मैनुफैक्चरर्स नू फार्मास्यूटिकल कंपनीज नू रॉ मटीरियल्स चाहिए होंदे हैं. ठीक है, जिहड़े रॉ मटीरियल्स नू वो यूज करके फिनिश दवाई बनाते हैं तो उसनू ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग करके तुहाडे कोल केमिस्ट तुहाडी नेड़ले केमिस्टां दे कोल उन्हां नू पहुंचा देंदे हैं, है ना. नाउ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਲਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ APIs, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ USA UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਬਿਗ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ APIs ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਪਲਾ, ਤਾਂ ਸਿਪਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਸਾਲਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ APIs ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਫ ਅ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ, ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਨਾ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਪਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਊਟਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੈਟਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਸ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਏ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਾਇਰਸ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਥਰੂ ਅ ਮਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸਕੀਟੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਟੋ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਟਲ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਟੋ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਾਇਰਸ ਵੁੱਡ ਐਂਟਰ ਦ ਕੈਟਲਸ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਟਲ ਵੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਆਊਟਵਰਡ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸ ਦੈਟ ਅਫੈਕਟ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਗੋਟਸ, ਨੋਟ, ਨੋ, ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਥਰੂ ਸਲਾਈਵਾ ਐਂਡ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਵਾਟਰ, ਨਾ ਮਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੋਥ ਆਰ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਐਡਿਡ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਆਲ ਯੋਰ ਡਾਊਟਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਫਿਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਗਾਈਜ਼। ਆਈਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਸੈਟ ਆਫ MCQs। ਥੈਂਕ ਯੂ।